डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुका है मूनलाइट का पहला एपिसोड। जी हाँ, अगर वीकेंड पर कुछ आप देखने की सोच रहे हैं, आप बिंज वॉचिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि एक ही एपिसोड अभी रिलीज हुआ है, बट इज दिस वन एपिसोड वर्थ वॉच, यही हम आपको बता रहे हैं इसके रिव्यू में। शर्मा जी नमकीन में होगा कितना स्वाद, कैसी होगी ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म। शर्मा जी नमकीन के साथ साथ आज आपको ये भी बताते हैं कि कैसी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मून नाइट। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन की, जिसमें आपको ऋषि कपूर नजर आएंगे एज शर्मा जी और उन्हीं के किरदार को उनके जाने के बाद आगे बढ़ाते हुए परेश रावल, वो भी शर्मा जी। इनके अलावा फिल्म का एक और खास हिस्सा है जूही चावला। कहानी जितनी सिंपल है उतनी ही अच्छी इस फिल्म के कलाकारों की परफॉर्मेंस है, और परेश रावल को ऋषि कपूर जी के जाने के बाद इस रोल को संभाल कर आगे ले जाने के लिए बधाइयां, क्योंकि ये किरदार जरा सी ओवर एक्टिंग से बिगड़ सकता था। एक रिटायर्ड आदमी कैसे जमाने के नजरिए को गलत साबित करता है, ये इस फिल्म की कहानी है। और इस पूरी कहानी में जुड़े नमकीन किस्से इस फिल्म को कम से कम एक बार विद फैमिली देखने लायक जरूर बनाते हैं। एक लेजेंडरी एक्टर के देहांत के बाद बची हुई फिल्म को पूरा करना वाकई में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, और इसके लिए मेकर्स की पीठ SBS ओरिजिनल्स एक बार जरूर थपथपाना चाहेगा। वहीं अगर बात करें मून नाइट की, तो डोंट वरी, सुपर विलन से टक्कर लेने वाला सुपर हीरो इंतजार कर रहा है अपने एग्जाम्स के रिजल्ट का, कि क्या एंटरटेनमेंट की परीक्षा में ये पास होगा या फिर फेल। तो चलिए मून नाइट के साथ साथ आपको भी बताते हैं कि कैसी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई सीरीज। तो दोस्तों नॉट टू वरी, बहुत दिनों बाद कोई ऐसी सीरीज आई है जो आपको फिक्शन के साथ साथ रियलिटी का भी एहसास करवाएगी। शुरुआत से सस्पेंस धीरे धीरे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा, और सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के अंत तक आप इंतजार करेंगे दूसरे एपिसोड का। मार्वल स्टूडियोज और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे ऑस्कर आइजैक एज मार्क, जो कि खुद एक इजिप्शियन यानी कि मिस्र की दुनिया के सुपर हीरो है। लेकिन कुछ वजहों से मार्क अपनी असलियत और अपने सपनों के बीच के फर्क को समझ नहीं पाते, और कब कहां कैसे वो बदमाशों को मार डालते हैं उन्हें पता तक नहीं चलता। वहीं ईथन हॉक यानी कि आर्थर मार्क के पास पड़ी एक एंशियंट चीज को हथियाना चाहते हैं, और आगे चलकर कैसे वो बेशकीमती चीज आर्थर के पास आएगी और कैसे मून नाइट दुनिया भर के लोगों को बचाएगा, ये इस सीरीज की कहानी है। यहां पर एक छोटा सा स्पॉइलर, जो कुछ होशियार लोगों ने द इटर्नल्स के एंड क्रेडिट को देखकर समझ ली होगी, अगर यहाँ पर मून नाइट है तो द इटर्नल्स के एंड में एक और नाइट है जो आगे चलकर शायद ब्लैक नाइट हो, और जब हॉकाई में हॉकाई की टक्कर किंग पिन से हो सकती है तो आगे चलकर मून नाइट की टक्कर ब्लैक नाइट से भी हो सकती है। अभी तक ये फैंस के साथ साथ SBS ओरिजिनल्स की भी थियोरी है। सीरीज के VFX और सस्पेंस आपका ध्यान जरूर खींचेंगे। रीसेंट टाइम्स में आई मार्वल स्टूडियोज की सीरीज में से ये अब तक की बेस्ट सीरीज भी मानी जा सकती है। और वहीं जब आप शर्मा जी नमकीन देखेंगे तो एक बार स्वर्गीय ऋषि कपूर को जरूर याद करेंगे, और आपको ये भी एहसास होगा कि जाते जाते ऋषि कपूर अपनी एक्टिंग की छाप वाकई में छोड़कर गए हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज मून नाइट को 5 में से 3.5 स्टार्स, और वहीं Amazon प्राइम वीडियो की फिल्म शर्मा जी नमकीन को सिर्फ 5 स्टार्स में बयान नहीं किया जा सकता। एक लेजेंडरी एक्टर की आखिरी फिल्म 5 स्टार्स नहीं बल्कि स्टार्स डिजर्व करती है, समझे? नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए।
राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।